बच्चों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं पहले इसकी पहचान यानी आइडेंटिटी, इसका पहचानने का तरीका क्या है, पहचानते हैं। देखिए कॉपी कलम ले लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ठीक है, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, या फिर कहिए गया है, पढ़ा है, लिखा है, ठीक है, इसके साथ साथ पढ़ा है भी रहेगा, लिखा है, अथवा ली है, दी है, चुरा ली है, आदि रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये मत आप लोग बोलिए कभी कि जिस हिंदी वाक्य जहाँ पर भी आपको सेंटेंस दिखाई दे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं रहेगा तो ही प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। बाय द वे चुका है, चुकी है ना रहकर आ जाएगा कि मैं पटना गया हूँ, उसने मेरी किताब ले ली है या उसने मेरी घड़ी चुरा ली है, ऐसा भी सेंटेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसका रूल एक बार और इसको पहचान देख लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, गया है, पढ़ा है, लिखा है, ले ली है, दे दी है, चुरा ली है, आदि रहे, ठीक, इसका रूल देखते हैं। अनुवाद बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सब्जेक्ट रहेगा पहले, उसके अनुसार हैव हैज आई वी यू दे बहुवचन रहेगा तो हैव का प्रयोग, ही सी इट नेम रहेगा तो क्या चीज, किस चीज का प्रयोग होगा, हैज का। उसके बाद भीतरी मतलब क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए राम आम खा चुका है, अंतिम में चुका है आ रहा है, ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट में राम है तो राम बनेगा, उसके अनुसार है भी हैज राम हैज, ठीक है। खाना का क्या होता है, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईट, एट ईटन, यानी क्या होगा, ईटन ए मैंगो। आप कहिएगा कि ए कहाँ से लगा दिए, वही बात पिछले आर्टिकल वाला में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, यह क्या हुआ, एक प्रकार का यह भावल हुआ, इसके पहले क्या सॉरी कंसोनेंट हुआ इस, यह तो कंसोनेंट के पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है, या अ आ ई के उच्चारण नहीं आ रहा है इसलिए क्या है ए मैनगो हो गया। आप देखिए मैंने ताजमहल देखा है, अब तो आप लोग कहिएगा कि इसमें तो चुका है, चुकी है, नहीं आया है, लेकिन देखिए तो देखा है ना। देखिए जिस सेंटेंस पर आपको अधिक जोर देना हो, ठीक है, तो वो समझ जाइए कि वो कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने आपको देखा है, उसने मेरी घड़ी चुरा ली है, ठीक है, मैंने लाल किला देखा है, ठीक है, उसने भात खाया है, ये जो भी सेंटेंस हो जिस पर ज़्यादा जोर देना पड़े, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो देखिए मैंने ताजमहल देखा है तो क्या हो जाएगा,
आई हैव। देखना का क्या होता है, से सी का थर्ड फ्रॉम सीन, उसके बाद ताजमहल, ऐतिहासिक चीज़ है ना ताजमहल, तो बताते हैं जो भी पृथ्वी पर क्या है अजूबा चीज़ हो, ठीक है, विचित्र चीज़ हो, उसके पहले लिखवाए हैं द का प्रयोग में, क्या लगता है, द द ताज महल, आई हैव सीन द ताजमहल। और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने या हम लोगों ने अपना काम समाप्त कर लिया है। देखिए ये टेंस बड़ा गड़बड़ करता है, ठीक है, ये सेंटेंस आप लोग को केवल मालूम होगा कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं रहेगा तभी प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं, लेकिन देखिए ले ली है, दे दी है, चुरा ली, ये रहेगा तब पर भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये लोग आप लोग बार बार गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है, इसको गलती को सुधारना है, बस पहचान पूरा याद करिए, चुका है चुकी है मत इतना ही नहीं याद करिए, उसके आगे वाला सेंटेंस भी ये भी याद कीजिए कि ले ली है, दे दी है, चुरा ली है, ठीक है, हम लोगों ने अपना काम समाप्त कर लिया है। देखिए तो जोर दे रहा है ना कि हम लोगों ने क्या कर दिया है, अपना काम समाप्त कर दिया है। तब देखिए हम लोग का क्या होगा, वी के अनुसार क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। देखिए लिख देते हैं आई वी दे बहुवचन यानी प्लूरल, पी एल यू आर एल तो रहेगा, तो उसके अनुसार क्या लगेगा, हैव का प्रयोग होगा, ठीक है, हैज होगा, ही होगा, सी होगा, इट या फिर कोई लड़का या लड़की का क्या हो, नाम हो, उसके अनुसार क्या लगेगा, हैज का प्रयोग होगा। तो देखिए वी हैव समाप्त करने का क्या होता है, फिनिश, ठीक है, फिनिश या फिर कहिए कंप्लीट कहिए, फिनिश एफ आई एन आई एस एच, फिनिश में इसका क्या है, कौन प्रूफ लगाना है, थर्ड फॉर्म, तो फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है आपका फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड। अब कह रहा है कि अपना काम, सब्जेक्ट में क्या है, हम लोग, अब इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कर्ता कर्म अपना के अंग्रेजी संबंध, उसमें बताया था आई के अनुसार अपना अंग्रेजी माई होता है, ठीक है, कॉपी पर आप लिख रहे होंगे या इसके जस्ट वीडियो पहले वाले वीडियो पर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वी के अनुसार आप लोगों को मिलेगा, उसमें देखिएगा तो क्या होता है, आवर, क्या होता है, आवर, वी हैव फिनिश्ड आवर क्या वर्क, ठीक है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, क्यों आवर हुआ, क्योंकि वी के अनुसार अपना अंग्रेजी आवर होता, अभी नहीं कहना कि अपना अंग्रेजी योर कर देना, योर कीजिएगा तो सरासर आपका सेंटेंस क्या होगा या ट्रांसलेशन बनाने या जो भी बनाए हैं वो गलत हो जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल, सीता अपनी घड़ी बेच चुकी हैं, क्या कह रहे हैं जी कि सीता अपनी घड़ी बेच चुकी हैं। अब देखिए सीता, उसके अनुसार हैज लगेगा, चूंकि वो लिखवाए हैं ही सी इट नेम रहेगा, तो किस चीज का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा, सीता हैज ईटन, इट आई टीटन होता है, सॉरी बेचना है ना, देखिए बेचना है तो बेचना का क्या होता है, इटन नहीं, क्या रहेगा, सेल, मतलब क्या होता है, बेचना, तब सेल है, तब सेल का कौन सा रूप लगाइएगा, थर्ड फ्रॉम यानी सेल, सोल्ड, सोल्ड क्या हो जाएगा, सोल्ड। अब देखिए सीता है, सीता ने अपनी घड़ी बेच चुकी है, अब यहाँ पर अवर का प्रयोग नहीं होगा, क्यों होगा, क्या होगा, सीता है लड़की का नाम है, तो हम लिखवाए हैं लड़की के लिए क्या आता है, सी का प्रयोग होता है, ठीक है, तो सी के अनुसार अब अपना अंग्रेजी ढूंढिए, उसमें तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, हर, ठीक है, क्या बची हैं, वॉच, ठीक है, सीता हैज सोल्ड हर वॉच। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उन लोगों ने मुझे पीटा है या पीटे हैं, उन लोगों ने मुझे पीटे हैं, ठीक है, तो उन लोगों का आपका होता है दे, ठीक, दे के अनुसार होगा क्या लगेगा, हैव, ठीक है,
दे हैव। अब पिटना का आपका होता है बीट। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इसका पहचान क्या होता है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ रहे हैं या फिर कहिए समय से दिया रहे कह रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ रहे हैं या किससे दिया रहे, समय से दिया रहे, आदि हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, पहचान आ रहे हैं या समय से कहने का मतलब क्या हो गया। वह 2 घंटों से पढ़ रही है, मैं 4 दिनों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये भी जो भी सेंटेंस आएगा उसमें क्या लगेगा, उसका वो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखते हैं पहले इसका रूल, पहचान तो आपका हो गया, रूल देखते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन, ठीक है, प्लस वी फोर का मतलब मुख्य क्रिया में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर सिंस प्लस टाइम। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखते हैं। मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए इसमें समय दे दिया कितने दिनों से, 2 दिनों से। तो पहले माय का क्या होगा, आई। अब आई के आंसर क्या लगेगा, हैव या हैज, बता दिए पहले इसी वीडियो में, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव बीन, क्या, आई हैव बीन। पढ़ाना का क्या होता है, टीच। टीच का क्या लगेगा, बिफोर लगेगा, नहीं मुख्य क्रिया में आई, यानी क्या होगा, आई हैव बीन टीचिंग। किस क्या करा, मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग। अब कितना दिनों से है जी, 2 दिनों से ना, तो 2 दिनों के लिए फॉर आएगा या सिंस, तो फॉर या क्यों फॉर लगा, कहने सिंस लगा, अभी तुरंत आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि फॉर या सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फॉर 2 डेज, देखिए फॉर का प्रयोग जब आपको समय अवधि दिया रहे, समय अवधि रहे, यानी 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 दिनों से हो गया, 4 दिनों से, 2 वर्षों से, 5 वर्ष, मतलब समय अवधि मतलब समय का अंतराल दिया रहे, ठीक है, तो उसके पहले क्या लगेगा, फॉर का प्रयोग होगा, समय, ठीक है, यानी क्या दिया रहे, जब किसी निश्चित दिन महीना वर्ष या बजे का नाम न दिया रहेगा, इसमें केवल समय का अंतराल दिया रहेगा, 2 महीनों से 4 दिनों से महीना का नाम न दिया रहे, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि जब किसी निश्चित दिन महीना वर्ष या बजे का नाम न दिया रहे तब उसके पहले किस चीज़ का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए फॉर 1 आवर्स मतलब 1 घंटों से, फॉर 10 ईयर्स मतलब 10 महीनों से, फॉर 2 डेज मतलब 2 दिनों से, ठीक है, फॉर 1 वीक्स मतलब 1 सप्ताह से, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अनिश्चित 1 घंटा निश्चित नहीं है, 10 महीना अनिश्चित का बोध कर रहे हैं, 10 दिन भी अनिश्चित का बोध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 सप्ताह से भी क्या कर रहे हैं, यह भी अनिश्चित का बोध कर रहा है, इसमें निश्चित नहीं है, इसलिए क्या हुआ, फॉर का प्रयोग।
अब देखते हैं सिंस का प्रयोग, इसका जस्ट उल्टा उल्टा, यानी समय बिंदु, इसमें समय बिंदु दिया रहेगा, अर्थात लिख लीजिए कॉपी पर, जब किसी निश्चित दिन, महीना, वर्ष या बजे का नाम दिया रहे तब उसके पहले सिंस का प्रयोग होता है। एक बार और, जब किसी निश्चित दिन, महीना, वर्ष या बजे का नाम दिया रहे तब उसके पहले सिंस का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं, सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या हो जाएगा, सुबह से, ठीक है, सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, ठीक है। सिंस इवनिंग मतलब शाम से, क्या है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या शाम से पढ़ रहा हूँ, क्या है, निश्चित का बोध कर रहा है। सिंस टू ओ क्लॉक मतलब दो बजे से, देखिए तो निश्चित है ना कि मैं दो बजे से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग दो बजे से पढ़ रहे हैं या आप लोग दो बजे से खेल रहे हैं, देखिए निश्चित का बोध है, नाम दे दिया ना दो बजे से। अब देखिए, सिंस जनवरी मतलब कब से, जनवरी से, देखिए तो दिन महीने का नाम आ गया कि नहीं आ गया, दिन महीने का नाम दिया रहेगा तब पर भी सिंस का प्रयोग हुआ, सिंस जनवरी, सिंस मई, सिंस अप्रैल, ठीक है, सिंस मंडे लिख सकते हैं, सिंस ट्यूजडे, सिंस फ्राइडे, इन जितना रहेगा इनके सब सबके पहले क्या होगा, सिंस का प्रयोग होगा। अब देखते हैं, अब देखिए इसके आगे एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट सिंस पर थोड़ा एग्जांपल पढ़ लेते हैं। शिक्षक दो बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, देखिए जहाँ पर भी आपको टाइम दिया रहे, ठीक है, दो बजे से या दो घंटे से, तब समझ जाइए कि वो कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध कर रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा, हैव हैज बीन का प्रयोग अवश्य होगा। देखिए शिक्षक पहले पद हैं तो द टीचर होगा, उसके अनुसार क्या लगेगा, हैज, द टीचर हैज, उसके बाद बीन, ठीक है, द टीचर हैज बीन, पढ़ाना का टीच, तो क्या हो जाएगा आपका, टीचिंग, द टीचर हैज बीन क्या होगा, टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए दो बजे से हैं, निश्चित है क्या, निश्चित हैं, तो ये आपका निश्चित है, तो क्या होगा, सिंस ना, निश्चित के लिए सिंस टू ओ क्लॉक, सिंस है, ठीक है, सिंस टू ओ क्लॉक हम लोग दो घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब देखिए हम लोग दो घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, वी के आंसर क्या लगेगा, हैव या हैज, हैव, उसके बाद क्या फिर होगा, बीन, वी हैव बीन, खेलना का क्या होता है, प्ले, तो प्ले का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यानी वी फॉर्म में प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद अब कितना क्या दिया है, दो घंटों से, यह बोध अनिश्चित का कह रहा है, पता नहीं चल रहा है कब का दो घंटे, अनिश्चित है, ठीक है, तो क्या होगा, फॉर का प्रयोग अनिश्चित के लिए, कितना, टू आवर्स, ठीक है, आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कहीं पर भी जहाँ फर्स्ट सिंस का प्रयोग बताया दिए, जहाँ निश्चित दिन महीना, यानी दिन महीना का नाम दिया रहेगा वहाँ पर क्या होगा, सिंस, और जहाँ पर नाम ना दिया रहे वहाँ पर क्या होगा, फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं,
आप देखिए, आपको यह जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब क्रिया के साथ आईएनजी का ही प्रयोग होगा। इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लीजिए, नोट, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है। देखिए, इल प्रेजेंट अब्सेंट माने बीमार, उपस्थित, अनुपस्थित, क्रूअल, CRUEL, क्रूअल मतलब क्रूर, बीजी, ठीक है। इल प्रेजेंट अब्सेंट क्रूअल बीजी सैड, ठीक है। ATC, जब इल प्रेजेंट अब्सेंट क्रूअल बिजी सैड ATC आदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो मुख्य क्रिया के साथ ING का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। कभी भी ING का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखिए, सीता सोमवार से अनुपस्थित हैं, ठीक है। सीता सोमवार से अनुपस्थित है, मतलब सोमवार से नहीं पढ़ रही, नहीं आ रही है क्लास। देखिए, तब यहाँ पर क्या दे दिया है, सीता सोमवार से अनुपस्थित। अभी मत कहिएगा अगर हैं हैं तो सीधे इज लगा दीजिए, बार बार आप लोग गलतियाँ कर देते हैं, इज RM फट से लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये भी ध्यान देना है, क्या समय दिया है, सोमवार से दिया है। तो देखिए क्या होगा, सीता हैज बीन, अब देखिए अनुपस्थित का क्या होता है, अब्सेंट, अब्सेंट मतलब अनुपस्थित, ठीक है। सीता हैज बीन अब्सेंट कब से, सोमवार से। अब देखिए अब्सेंट का अब्सेंटिंग नहीं होगा, अब यहाँ पर बिफोर नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों को नोट में लिखवा दिए हैं कि जब प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट में हो या फिर पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, इस कोई भी रहेगा तो इसमें साथ क्या होगा, ING का प्रयोग नहीं होगा, यानी अब्सेंटिंग नहीं होगा, यानी अब्सेंट होगा। सोमवार से क्या है, निश्चित कर रहा है, तो सिंस मंडे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। अब देखिए, मैं का आई के अनुसार हैव, उसके बाद क्या लगेगा, बीन, आई हैव बीन, बीमार का इल, क्या होता है, बीमार का इल, इल मतलब बीमार। अभी यहाँ पर इलिंग नहीं होगा, क्या होगा, इल, आई हैव बीन इल। अब कितना दिनों से जी, 2 दिनों से, फॉर 2 days, ठीक है, फॉर 2 days। अब देखिए, इस तरह से आप लोगों का प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट, प्रेजेंट टेंस में जो भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एक पहले का वीडियो और एक ये वीडियो, 2 वीडियो के माध्यम से आप लोगों का प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट होगा। अब अगला वीडियो में हम आप लोगों को पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है।